दोस्तों, आज का वीडियो में हम जो 6.6 के भी HT बोर्ड रहते हैं उनका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, क्या क्या सब प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, अगर हम बोर्ड का आधा हिस्सा को मेंटेनेंस करेंगे तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, अगर बोर्ड टोटल बोर्ड का मेंटेनेंस करेंगे तो हमको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, शट डाउन कैसे अप्लाई करेंगे, शट डाउन का प्रोसीजर क्या है और मेंटेनेंस में हमको सब क्या क्या करना पड़ता है, तो इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं बोल बुलबुल। तो दोस्तों, अगर हम टोटल बोर्ड का मेंटेनेंस करेंगे तो पहले बोर्ड को शटडाउन करना पड़ेगा। तो शटडाउन प्रोसीजर क्या है? शटडाउन प्रोसीजर है कि अगर बोर्ड में दो इनकमर हैं और एक बस कपलर है तो आप दोनों इनकमर को ऑफ करना पड़ेगा और साथ साथ बस कपलर को भी ऑफ करना पड़ेगा, उसका जो पीटी पैनल है ये सबको ऑफ करने के बाद बस कपलर, इनकमर ब्रेकर एंड पीटी पैनल ये सबको रैक आउट करना पड़ेगा। रैक आउट करने के बाद आप इसमें डेंजर टैग लगा दीजिए और फिर जो कंट्रोल सप्लाई रहते हैं, चाहे एसी का हो या डीसी का हो, दोनों सप्लाई रहते हैं ज़्यादातर बोर्ड में, तो उनको भी आपको ऑफ करना पड़ेगा। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि यानी पैनल में कहीं दूसरे सोर्स से सप्लाई नहीं आ रहा है, उसके बाद आप वर्क परमिट अप्लाई कीजिए। वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद अपना काम शुरू कीजिए, वो भी सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो करते हुए। लेकिन अगर आप बोर्ड का आधा हिस्सा को मेंटेनेंस कर रहे हैं, कंप्लीट बोर्ड को मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, आधा हिस्सा को मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका जो सेफ्टी प्रोसीजर है, उसका जो शटडाउन प्रोसीजर है, वो थोड़ा डिफरेंट रहता है और यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप हाफ सेक्शन को ऑफ कर रहे हैं और दूसरा सेक्शन में आपका चार्ज रहेगा, दूसरा सेक्शन में आप लोग जो आपका मोटर है, जितना सारा फीडर है, सब वहाँ पर सप्लाई जा रहा होगा, यहाँ पे आपको ज़्यादा सेफ्टी का फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, शटडाउन प्रोसीजर है कि आपका इनकम और ब्रेकर को ऑफ करना पड़ेगा, साथ ही साथ में जो बस कपलर रहता है, बस कपलर को भी आप रैकआउट पोजिशन में ऑफ करके उसको रैकआउट पोजिशन में लाएंगे, इनकमर को ऑफ करके रैकआउट पोजिशन में लाएंगे, उसका जो पिट्टी पैनल रहता है, पिट्टी पैनल को भी आपको रैकआउट पोजिशन में लाना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद वहाँ पे सब आपको डेंजर टैग लगा देना पड़ेगा और आपका जो कंट्रोल सप्लाई रहता है, जैसा मैंने बोला था कि कंट्रोल सप्लाई दो तरीके के रहते हैं, एसी में रहता है, डीसी में रहता है, तो ये दोनों को आपको ऑफ करना पड़ेगा और आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि कहीं दूसरे सोर्स से इस बोर्ड में सप्लाई नहीं आ रहा है, और उसके बाद आप लोग परमिट के लिए अप्लाई करें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो आपको यहाँ पे सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 6.6 केवी का ये जो पैनल है और आपको काम करना है आधे हिस्से में काम करना है, कंप्लीट पैनल का आपको ऑफ नहीं करना है। आप लोग काम कर रहे हैं आधे हिस्से में काम करेंगे, मेंटेनेंस जितना सारा मेंटेनेंस का आप करना होगा आप आधे हिस्से में करेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा यानी आपको एक सेफ्टी टेप लगा देना पड़ेगा वहाँ पे। सेफ्टी टेप आप कहाँ पे लगाएंगे? देखिए, पैनल का बीच में रहता है बस कपलर, आपको जिस सेक्शन का मेंटेनेंस करना है, जिस सेक्शन को आप शटडाउन कर रहे हैं, बस कपलर का जो जो नज़दीक वाला पैनल होता है उसको भी आपको नहीं खोलना है, उसी को पैनल के ऊपर आपको सेफ्टी टेप लगा देना है। प्लांट में जो सेफ्टी टेप आपने देखे होंगे, डेंजर टैग वाला सेफ्टी टेप, उसी सेफ्टी टेप को लगाना है वहाँ पे, ताकि जो भी नया आदमी आए उसको पता चले कि इस पैनल यहाँ तक हमको काम करना है और बस कपलर की तरफ जाना ही नहीं है। इसीलिए बस कपलर का जो साइड वाला पैनल है उसको भी आप नहीं खोलेंगे, वहाँ पे भी आप काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये 6.6 केवी का बोर्ड है। तो दोस्तों, ये तो गया शटडाउन प्रोसीजर, सेफ्टी प्रोसीजर, लेकिन हमको क्या क्या सब काम करना पड़ेगा, कैसे काम करेंगे? तो पहले जितना सारा पैनल है सबका फ्रंट डोर, बैक डोर, कवर सब खोल दीजिए और उसके बाद एक डिस्चार्ज रॉड लगा के जो आर्थ डिस्चार्ज रॉड होते हैं उनको वहाँ पे लगा दीजिए, डेड बॉस पे वहाँ पे लगा दीजिए और उसको सही तरीके से आर्थ कर दीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जितना टाइम तक आप काम करेंगे उतना टाइम तक पूरा आर्थ कर दीजिए, बॉस को आर्थ कर दीजिए। उसके बाद स्विच बोर्ड को कम्प्लीटली क्लीन कीजिए, ब्लोइंग करके उसको कपड़ा से साफ करके, जितना प्रोसीजर है टोटल आप क्लीन कीजिए उसको, बस बार को साफ कीजिए, ब्रेकर को क्लीन कीजिए, इंसुलेटर्स, कॉन्टैक्टर
और जितना सारा कंपोनेंट्स है सभी कंपोनेंट्स को आप ब्लोअर एंड मार्किन क्लॉथ से साफ कर दीजिए। उसके बाद आप बस बार का टाइटनेस चेक कीजिए, जितना सारा पावर कंट्रोल टर्मिनल से सबको आप टाइट कर दीजिए, सबका टाइटनेस चेक कर दीजिए। दोस्तों उसी दौरान अगर आपको कोई फॉल्टी इंसुलेटर मिल जाए, मान लीजिए इंसुलेटर क्रैक हो गया है या इंसुलेटर कुछ उस ब्लैक हो गया है, तो आप उसी इंसुलेटर को रिप्लेस कर दीजिए और चेक कीजिए कहीं पे कुछ पैनल में कुछ होल वगैरह है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम आते हैं कि अगर पैनल में होल रहेगा, केबल एंट्री जहाँ से होता है उसी साइड से ज़्यादातर होल रहते हैं, तो चेक कीजिए कहीं पे कुछ होल वगैरह है कि नहीं। अगर होल है तो होल को सही तरीके से उसको क्लोज कर दीजिए, नहीं और आपका काम हो जाने के बाद आप डिस्चार्ज रॉड को निकाल दीजिए। चेक कीजिए सभी टूल्स जितना सारा आप यूज कर रहे थे सभी को आपने सही जगह पर रख दिया है, काउंट कर लीजिए, क्योंकि चांसेस रहता है कि आपका जो स्पैनर रहते हैं, प्लायर रहते हैं, वो बॉस बार के ऊपर रह जाए या कहीं पैनल के अंदर रह जाए, इसलिए सब चेक कर दीजिए, टूल्स वगैरह का सबको इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद आप बॉस बार को मेगर कीजिए, एक 5 kV मेगर लेके बॉस बार को मेगर कर दीजिए। उसके बाद पैनल डोर को क्लोज कीजिए और इनकमर और बॉस कपलर ब्रेकर को आप इन कर दीजिए, रैक इन कर दीजिए। उसके बाद आपका काम ख़त्म हो गया तो आप परमिट को रिटर्न कर दीजिए। उसके बाद आपका जब ट्रांसफार्मर चार्ज हो जाए तो उसी समय आप लोग फिर नॉर्मलाइज कर दीजिए स्विच बोर्ड को। दोस्तों स्विच गियर चार्ज हो जाने के बाद उसका जो ब्रेकर रहता है, इनकमर ब्रेकर, जितना सारा इंडिविजुअल मोटर फीडर रहते हैं, पीटी पैनल रहता है, इन सारे पैनल का हम लोग आराम से मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आपको दिखाया है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का कैसे मेंटेनेंस किया जाता है, जो लोग नहीं देखे हैं उसी वीडियो का लिंक आज का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे आराम से देख सकते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा, आइडिया हो जाएगा कैसे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस किया जाता है। वो एक प्रैक्टिकल वीडियो दोस्तों, पूरा प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाया था, पूरा प्रैक्टिकली मैंने उसी वीडियो में दिखाया है, समझाया है कैसे मेंटेनेंस किया जाता है। तो फिर भी हम और एक बार डिस्कशन कर लेते हैं क्या क्या मेंटेनेंस किया जाता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का। पहले तो पावर एंड कंट्रोल टर्मिनल को उसका टाइटनेस चेक कीजिए, ब्रेकर का क्लोज एंड ट्रिप चेक कीजिए, क्लोज एंड ट्रिप सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, स्प्रिंग चार्ज हो रहा है कि नहीं मैनुअली, उसको आप चेक कीजिए। उसके बाद जितना सारा उसका पावर कॉन्टैक्ट है, पावर कॉन्टैक्ट्स को क्लीन करके वहाँ पे पेट्रोलियम जेली हल्का से अप्लाई कर दीजिए। उसका जो ब्रेकर का मैकेनिज्म रहता है, मैकेनिज्म को आप सही तरीके से लुब्रिकेंट करना पड़ेगा, वहाँ पे आप लुब्रिकेंट कीजिए। पहले तो जितना सारा पुराना ग्रीज है, पुराना ग्रीज को निकाल दीजिए, साफ कर दीजिए। उसके बाद वहाँ पे CRC से पूरा साफ कर दीजिए, उसके बाद उसको ग्रीजिंग करके लुब्रिकेट कर दीजिए। फिर उसके बाद और 4-5 बार उसको क्लोज ट्रिप कीजिए, स्प्रिंग चार्ज को चार्ज कीजिए और मैनुअली क्लोज ट्रिप कीजिए, तो आपको आइडिया हो जाएगी पहले ब्रेकर का कंडीशन कैसा था और मेंटेनेंस करने के बाद ब्रेकर का ऑपरेशन कैसे हो रहा है, आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद ब्रेकर को रैक इन पोजिशन पर लीजिए और उसको इलेक्ट्रिकली टेस्ट पोजिशन पर रख के उसको ऑन ऑफ चेक कीजिए, इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग चार्ज हो रहा है कि नहीं देखिए, और टेस्ट पोजिशन पर रख के उसका जो TNC स्विच है उसको क्लोज एंड ट्रिप कमांड दीजिए, वो काम कर रहा है कि नहीं देखिए। उसके बाद आता है दोस्तों जितना सारा मोटर फीडर, इंडिविजुअल मोटर फीडर 6.6 kV का, उसका भी मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो उसमें ज़्यादातर रहते हैं वैक्यूम कॉन्टैक्टर। तो दोस्तों वैक्यूम कॉन्टैक्टर मोटर फीडर का कैसे मेंटेनेंस किया जाता है, तो ज़्यादातर जितना सारा 6.6 kV का मोटर फीडर रहते हैं वहाँ पर वैक्यूम कॉन्टैक्टर लगा होता है, तो उसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे। तो दोस्तों वैक्यूम कॉन्टैक्टर का तो हम मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे, यानी वैक्यूम कॉन्टैक्टर का जो कॉन्टैक्ट किट्स उसका तो मेंटेनेंस हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसका जो कॉन्टैक्टर का जो कोयल रहता है, कोयल को हम लोग देख के उसको रिप्लेस कर सकते हैं। उसका जो इकोनॉमिक रजिस्टर लगे होते हैं, इकोनॉमिक रजिस्टर को भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये दोनों को कैसे रिप्लेस किया जाता है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, प्रैक्टिकल वीडियो है दोस्तों कैसे उसको रिप्लेस करते हैं।
क्या 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 चेक करते हैं, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा वैक्यूम कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। तो उसी वीडियो का लिंक आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे आसानी से देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों हमारा वैक्यूम कॉन्ट्रैक्टर मोटर फीडर का कैसे मेंटेनेंस करते हैं। तो इसके साथ साथ बोर्ड का और भी कुछ हम मेंटेनेंस वर्क कर सकते हैं, जैसे कि जितना सारा मोटर का केबल है सारे केबल का हम आयर वैल्यू मेजर कर सकते हैं। मेगर लेके सबका आयर वैल्यू को मेजर कीजिए और उसे नोट कर दीजिए। और जितना सारा वैक्यूम कॉन्ट्रैक्टर का ऑन ऑफ स्विच रहते हैं ऑन ऑफ स्विच को भी आप चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा जितना सारा प्रोटेक्टिव रिले लगे होते हैं दोस्तों, चाहे मोटर का हो या ब्रेकर का हो, जितना सारा प्रोटेक्टिव रिले लगे होते हैं, ज़्यादातर आजकल तो रिले माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले होते हैं, तो उन्हीं सारी रिले का सेटिंग को भी हम चेक कर सकते हैं। उसके अलावा रिले को भी हम टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद पैनल का जितना सारा देखिए लैम्प रहते हैं इंडिकेशन लैम्प, अगर इंडिकेशन लैम्प ख़राब है तो आप लोग उसे रिप्लेस कर सकते हैं। और पैनल का सबसे इम्पोर्टेंट है अर्थिंग, अर्थिंग को भी एंड में चेक कीजिए सही तरीके से स्विच की, और अर्थिंग हुआ है कि नहीं, पैनल अर्थिंग हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही सीखने को मिला होगा आपको। तो मेरे साथ अंत तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बोल बुलबुल।